हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुपद का वर्ग निकालना बताऊंगा। दोस्तों, हम किस तरह से जो है पॉलिनोमियल का स्क्वायर निकालते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं हम किस तरह से बहुपद का वर्ग निकालते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह निकालते हैं हम। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर के देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जब ए प्लस बी का स्क्वायर से बड़ा हो कोई, यहाँ पे जैसे हमारा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर हो, तो हम उनको कैसे निकालते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रूफ करेंगे यहाँ पे इसको, किस तरह से हमने यहाँ पे ज्योमेट्री का प्रूफ करके निकालते हैं इनको। जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला था हमने ज्योमेट्री से, वैसे हम यहाँ पे निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी हम कैसे निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या मान सकते हैं, एक साइड मान सकते हैं और इस साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात भुजा का वर्ग एक स्क्वायर बन सकता है और उससे हम डिफरेंट पार्ट को निकाल लेंगे और हमारा फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हम ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी हमारी क्या है, एक लाइन लाइन है और इसका स्क्वायर अर्थात हमारा एक वर्ग, एक भुजा का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, एक वर्ग बनता है, क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल है। अब देखिए, लंबाई चौड़ाई ए प्लस बी प्लस सी है, तो सारी भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी हैं, तो इस तरह का हम एक वर्ग बना लेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकली प्रूव करने के लिए, और उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट को निकाल के फॉर्मूला निकाल देंगे यहाँ पे। अब देखिए, इस तरह का हम एक वर्ग बनाते हैं, मान लीजिए हमने इस तरह से बनाया एक वर्ग यहाँ पे, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। इसके मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस तरह से हम इनको खींच देंगे, ए बी और सी, और वैसी यहां भी आ जाएगा हमारा ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए, यहां पर हमारी लाइन जो है ये क्या है, इसको हम देखेंगे तो हमारी ये ए प्लस बी प्लस सी है, और वैसी ये भी हमारी जो है ए प्लस बी प्लस सी है, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो सारी की सारी साइड हमारी क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी हो गई। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये एक वर्ग बन गया, एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पर ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा इस तरह का फिगर बन गया। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट को जब अलग अलग कर देंगे तो हमारा एक नया फॉर्मूला मिलेगा हमें, जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। वैसे ही हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर हमारा ये फिगर आ गया, बट हमें इसको अगर डिफरेंट पार्ट में देखेंगे, इसको अलग पार्ट में, इसको अलग पार्ट में, इसको अलग पार्ट में और इनको अलग पार्ट में, तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले का एक नया फॉर्म मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये ए है, ये ए है और ये भी क्या है, देखिए ए अर्थात ये भी ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ए है, तो ये भी ए है, तो इसके अंदर सारे चारों साइडें क्या आ रही है, हमारी ए आ रही है, तो इस तरह से ये हमारा इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा एक पहला यहाँ पर वर्ग आया जिसकी सभी साइडें ए हैं। अब हम यहाँ पर वैसे दूसरा स्क्वायर यहाँ पर दूसरे ऊपर वाले को देखते हैं। देखिए, ये क्या है, हमारा एक आयत के शेप में है जिसकी लंबाई ए है और चौड़ाई क्या है, बी है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे कि इसका जो एरिया है वो ए बी है, सभी का एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका एरिया ए बी हो गया, इसको निकाल दिया हमने। अब वैसी ऊपर वाले को देखेंगे आप, ऊपर वाले में हमारी लंबाई क्या है, लंबाई ए है और चौड़ाई क्या है, सी है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ए सी हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। अब हम वैसे नेक्स्ट वाला निकालेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाली रो में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा इसकी लंबाई यहाँ पे हमें बी दिखाई दे रही है, ये बी है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई सी है केवल, तो इस तरह से इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, बी सी आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया।
और इसको देखिए आप, इसकी लंबाई हमारी क्या है, लंबाई बी है और चौड़ाई भी बी है, अर्थात देखिए सभी साइड जो है बी दिख रही है हमें, तो इसलिए ये भी हमारा क्या आ जाएगा, एक बी का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एक वर्ग बना छोटा सा जिसकी सभी साइडें बी हैं। अब वैसे ही हम यहाँ पे नीचे निकालेंगे, ये इसके यहाँ पे चौड़ाई ए है और लंबाई बी है, तो इस तरह से इसका जो क्षेत्रफल मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात ए बी। अब आप नेक्स्ट वाली आप रोमा आ जाइए, इसमें देखते हैं हम, यदि इसको देखें तो इसमें लंबाई क्या है, देखिए सी है तो ये भी सी होगी, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ए सी हो गया इसका यहाँ पे एरिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर लंबाई क्या है, लंबाई सी है और चौड़ाई ए है बी है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, बी सी हो जाएगा यहाँ पे, तो बी सी को हमने गोल कर दिया। अवश्य फाइनल वाले को देखते हैं हम, इसमें देखिए हमारा लंबाई सी है और चौड़ाई भी सी है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पर हमारे तीन फिगर ऐसे थे जो स्क्वायर में आ रहे हैं, यहां पे स्क्वायर बना रहे हैं, एक हमारा ये हो गया ए का स्क्वायर और एक बी का स्क्वायर और एक सी का स्क्वायर, तो यहां पे तीन हमारे क्या बने, वर्ग बने और बाकी एक दो तीन चार पांच छह क्या बने, आयत बने। अब हम इन सभी को एक साथ लिखेंगे, अलग अलग करके जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, देखिए इस पार्ट में हम इस पार्ट को ऐड कर दें, इस पार्ट में इस पार्ट को ऐड कर दें और सभी को ऐसे ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, पूरा पार्ट बन जाएगा अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा और वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिखते हैं, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे तीन चीजें आ रही हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनको लिख देंगे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारी वर्ग वाले हो गए। अब प्लस कौन से आएंगे, अब हमारे आयत वाले आएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए ये हमारा ए बी है और एक ए बी यहाँ पर बन रहा है अर्थात दो ए बी आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टू ए बी और फिर प्लस वैसे ही हमारा ए सी है और एक हमारा ए सी यहाँ पर बन रहा है, देखिए तो दो ए सी बन रहे, तो हम कहेंगे यहाँ पर टू ए सी और वैसे ही हमारा यहाँ पर बी सी बन रहा है, देखिए एक बी सी ये है और एक बी सी यहाँ पर बन रहा है, तो दो बी सी बन रहे हैं, तो इनको भी हम लिख देंगे प्लस टू बी सी और इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पर सभी में टू आ रहा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सभी में अगर आपका दो कॉमन आ रहा है तो आप दो को बाहर ले सकते हैं इस तरह से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर सकते हैं आप इसको, तो ये हमारा एक बहुपद का स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। और आपने इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव किया और आप ज्योमेट्रिकली इसको एक बार आप प्रूव कर लेंगे अपने हाथ से, तो ये आपके यहाँ पे दिमाग क्लियर हो जाएगा और आप दोबारा नहीं भूल पाएंगे। अब वैसे ही देखिए यदि आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर निकालना है तो उसको भी आप सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं एक ज्योमेट्री का यूज करके। अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखते रहे, यहाँ पे यदि आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है और उसके सारे डिफरेंट पार्टों को आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और जो दो बार आ रहे हैं उनको टू कॉमन लेके यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर आपको सीधे फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखिए हम इसको निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। अब जब हमें इसको निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे चार क्या है वेरिएबल हैं, तो इनमें हमारे चार तो वर्ग बनेंगे, सबसे पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, चार वर्ग बने और ज़्यादा जो बचे हैं वो हमारे सब आयत बनेंगे और आयत हमारे देखिए सभी दो बार आ रहे हैं, जैसे ऊपर आ रहे थे वैसे यहाँ पे भी आते हैं दो दो बार, तो हम इसको टू कॉमन पहले लेंगे और अंदर लिख देंगे, एक आयत हमारा ए बी में बनेगा,
एक हमारा जो है एसी में बनेगा, एक हमारा एडी में बनेगा, और एक हमारा बीसी में बनेगा, और एक हमारा बीडी में बनेगा। तो इस तरह से आपके इतने यहाँ पे आयत बने, ये आयत बनेंगे और यहाँ पे चार आपके वर्ग बनेंगे। चार वर्ग बन रहे हैं और आपके यहाँ पे 10 आयत बन रहे हैं, तो कुल यहाँ पे आपको 14 पार्ट मिलेंगे। और इनको आप फिगर के हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकली जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भुजा का एक वर्ग लेंगे और उसके बाद उसके डिफरेंट पार्टों को अलग अलग काट लेंगे और उनको ऐड करके ये फॉर्मूला आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे फॉर्मूले यहाँ पे बहुपद का स्क्वायर था। अब इस पे बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इनके हैंड से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, उसको हम यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा। अब आपको जब ए यहाँ पे इसको आप ए मान लेंगे, इसको आप बी की तरह मान लेंगे और इसको आप सी की तरह मान लेंगे, और आप इसको बहुत ही आसानी से यहाँ पे वो फॉर्मूले को याद करके निकाल सकते हैं। देखिए आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे सीधे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये हमारा फॉर्मूला था 2ab प्लस bc प्लस ca। और आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो c है आपका, c क्या है, माइनस 5z है। आपको जब भी माइनस आए तो आपको वहाँ पर सतर्क हो जाना है, क्योंकि माइनस में हमारे जो है गलती के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ पे इनको रख ले जाइए, a का स्क्वायर करेंगे जब आप, इक्वल टू कर लीजिए इसको सीधे 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 5z का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस करेंगे और 2 आपका बाहर कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में आएंगे पहले आपका आता है ए बी अर्थात 3 दूनी 6xy हो जाएगा, और फिर बी सी अर्थात माइनस 10yz हो जाएगा, और फिर ए सी आ जाएगा आपका माइनस 15xz आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। और आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। देखिए माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वह हमेशा प्लस बन जाता है, और यहाँ पे प्लस करके आप इनको अंदर जो है यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 12xy हो जाएगा माइनस का 20yz हो जाएगा और माइनस का 30xz हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका सिंपल फॉर्म आ जाता है इस फॉर्मूले का यूज़ करके, और आप इस तरह से इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों में जहाँ पर आपको एक बहुपद का एक पॉलीनोमियल का स्क्वायर करना हो। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा आता है इससे रिलेटेड, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन दिया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जो है मैक्सिमम यहाँ पे एग्जाम में पूछा आता है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। जब आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी दिया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, और आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जो जो चीजें आपको दी हैं उनको आप दिमाग में रखेंगे और उनमें एक रिलेशन ढूंढेंगे, क्योंकि हमेशा इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक रिलेशन का यूज करते हैं, हमें उनमें एक रिलेशन मिलता है और इसी रिलेशन का यूज करके हम उसको निकालते हैं। अब वैसे ही देखिए, इन तीनों में हमारा कोई रिलेशन बन रहा होगा और जिसको हम अप्लाई करके यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर इन दोनों से बिना फॉर्मूले के नहीं निकाल सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर अभी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब आप यहाँ पे देखिए गौर से, आपको ए प्लस बी प्लस सी भी मिल गया और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी मिल गया,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी यहाँ पे मिल गया आपको। तो इसका मतलब आप इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर इस अननोन चीज को निकाल सकते हैं। अब आप इनमें वैल्यू पुट कर देंगे सीधे से, आप देखिए इसकी जगह पर 4 पुट कर दीजिए और इसकी जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 0। तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया पीछे का, और इस तरह से हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू मिलता है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलों का यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को ले सकते हैं इस फॉर्मूले पे जो है इन फॉर्मूले के बेस पर, और बहुत ही आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं बिना टाइम खर्च किए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके थैंक्स।